चंडीगढ़ सेक्टर 40D में बुधवार सुबह लगभग 7:45 बजे एक स्थानीय स्कूल के पास खुदाई कार्य के दौरान घरेलू गैस सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई। इसके बाद तेज धमाके के साथ तेजी से गैस लीक होने लगी। इससे स्कूल के बच्चों के बीच भगदड़ मच गई। स्कूल अध्यापकों ने सभी बच्चों को वहां से निकाला और घर भिजवाया। गैस की दुर्गंध से खुदाई करने वाले कर्मी वहां से दूर हट गए और मामले की जानकारी पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी को दी गई। कुछ देर बाद इस टूटी हुई पाइपलाइन को रिपेयर किया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। ये खुदाई सेक्टर 40D के शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास चल रही थी। दरअसल स्कूल की दीवार के पास कच्ची जगह पर बरसाती पानी की पाइप लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद नगर निगम की ओर से आए निजी ठेकेदार ने JCB मशीन के साथ सुबह के समय ये खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान लगभग 6-7 फीट नीचे गैस पाइपलाइन के साथ JCB मशीन टकरा गई और अचानक गैस लीक होने लगी। घटना की जानकारी पाते ही मौके पर दमकल की गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। वहीं स्कूली बच्चों को भी जल्दी से स्कूल से बाहर निकाला गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी के एक कर्मी ने बताया कि उन्होंने 10 मिनट में ही गैस की सप्लाई रोक दी थी, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल दमकल और पुलिस इस मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।